प्रॉब्लम नाइन अब हम लोग करेंगे, आप लोग इसको कंप्लीट रीड कर, ठीक है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले, मैं साथ साथ रीड करूंगा और इसको सोल्व करूंगा। तो पहले ट्रांजेक्शन में रीड कर रहा हूँ, ऑन 1st January 2017 एक्स सेल्स गुड्स टू वाई फॉर ₹30,000, एक्स ने गुड्स सेल किए हैं वाई को, एक्स ड्रॉज 3 बिल्स ऑन वाई, द फर्स्ट फॉर 9,000 वन मंथ, सेकेंड फॉर 15,000 टू मंथ एंड थर्ड फॉर 6,000 थ्री मंथ, उसके बाद 3 बिल्स ड्रॉ किए हैं एक्स ने वाई के। तो ट्रांजेक्शन करते हैं ये सबसे पहले हम, ठीक है, 1st January 2017 एक्स ने गुड सेल करेगा वाई को क्रेडिट पे, तो क्या करेगा वाई को डेबिट, और सेल अकाउंट को क्या करेगा क्रेडिट, क्यों करेगा ये आप लोगों को पता है, ठीक है, 30,000 उसके बाद 1st January 2017 को वाई ने परचेजेस किए हैं, तो वाई क्या करेगा अपनी बुक में परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा और एक्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा, कितने से 30,000 से। ये हो गई क्रेडिट सेल परचेज की एंट्री, ये आपको पता है। उसके बाद बिल ड्रॉ करने हैं एक्स ने 3, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री आपको पता है सेम डेट पे, ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और वाई अकाउंट क्रेडिट, पहला बिल कितने का 9,000 का, ये है जी एक महीने, ठीक है। उसके बाद सेकंड बिल ड्रॉ करें, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और वाई अकाउंट क्रेडिट, कितने का दूसरा बिल 15,000 का, टू मंथ्स के लिए, अगेन बिल रिसीवेबल टू बाय, तीसरा बिल कितनी बन जाएगी अमाउंट लास्ट बिल की 6,000 थ्री मंथ्स के लिए। वाई अपनी बुक में क्या करेगा सेम डेट को एक्स अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा लायबिलिटी बना लेगा, कितने से 9,000। तीनों एंट्रीज करेंगे आप, एक्स अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट, दूसरा बिल 15,000 का, ठीक है, एक्स अकाउंट डेबिट और बिल पेबल क्रेडिट कितनी अमाउंट से आएगी 6,000। पहली ट्रांजेक्शन हुई सेल की परचेज की, उसके बाद हम लोगों ने बिल ड्रॉ कर लिया, एक्स ने 3 बिल ड्रॉ किए, पहला 9,000 का एक महीना, दूसरा 15,000 दो महीने के लिए और तीसरा 6,000 तीन महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट बिल इज इंडोर्स्ड बाय एक्स टू हिज क्रेडिटर जेड ऑन 3rd January, पहला बिल एक्स ने अपने क्रेडिटर जेड को इंडोर्स कर दिया, तो जब क्रेडिटर को इंडोर्स करेगा तो उसको डेबिट करेगा खत्म करने के लिए एक्स 3rd January, जेड अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से आ गई 9,000। जेड की बुक बनाते हैं अमाउंट से, लीजिए ये है जेड की बुक 3rd January 2017, जेड के पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेगा और एक्स को खत्म करने के लिए क्या करेगा क्रेडिट, बिल उससे रिसीव कर लिया उसका अकाउंट सेटल कर दिया 9,000। पहले बिल का पे कौन है जेड, अमाउंट पे किसने रिसीव कर लिया पहले बिल की जेड, ठीक है। द सेकंड बिल इज डिस्काउंटेड एट बैंक ऑन 4th January फॉर ₹14,550, सेकंड बिल जो है ये वाला ये बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 4 जनवरी को, डिस्काउंट हमें निकाल के दिया, ठीक है, 4 जनवरी 2017 को क्या करेंगे आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब आप बैंक बिल डिस्काउंट करवाते हैं डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट कितनी बिल की 15,000, बैंक में कितनी अमाउंट आई है 14,550, डिस्काउंट कितना 450, ये हमें निकाल के दिया होगा, ठीक है, बैंक में कितनी अमाउंट आई है 14,550, ये निकाल के हमें गिवन, ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है डिस्काउंट। थर्ड बिल इज रिटेन बैक स्टिल ड्यू डेट, तीसरा बिल एक्स ने अपने पास रख लिया ड्यू डेट तक, ठीक हो गया। सॉरी, उसके बाद द फर्स्ट बिल इज मेट एट मैच्योरिटी, ठीक है, इसकी बुक में ड्राई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, साथ साथ हम बैठते हैं, पहला बिल जो है ड्यू डेट पे पे हो गया, पहले बिल की ड्यू डेट तो बनती है एक महीने का जनवरी फरवरी 4 फरवरी बनती है, ठीक है, डेट्स मैंने पहले भी आपको बताया कि आप लोगों ने खुद ख्याल रखना, ठीक है, डेट्स चेंज हो सकती हैं गलत भी हो सकती हैं, आप लोग डेट इसको ठीक कर लेना, ट्रांजेक्शन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है।
तो ये 4 जनवरी को पहला बिल पे हो गया, बिल किसने पे करना है भाई ने, बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है पहले बिल की, जेड ने, पहला बिल जेड को ही लोड से। तो वाया बिल बुक में क्या करेगा, 4 फरवरी 2017 को बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से पहला बिल की 9000, जेड रिसीव करेगा अमाउंट 4 फरवरी 2017 को कैश रिसीव करेगा, कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्या करेगा क्रेडिट, कितने से 9000। ये हो गई पहली बिल की ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड बिल के साथ क्या होगा, द सेकेंड बिल इज डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेज 64 नोटिंग चार्जेस। अच्छा, अब बैंक की बुक मैंने नहीं बनाई, ठीक है, तो बैंक की बुक भी हम बना लेते हैं, ठीक है। ये बिल जो डिस्काउंट करवाया था ना, इसकी एंट्री कर देना होगा, ठीक है, ये पहले नहीं की आप कर देते हैं, क्योंकि मैं इस बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप बना लेते हैं, ठीक है। 4 जनवरी 2017 को बिल बैंक के पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये जो बिल आपने डिस्काउंट करवाया बैंक से, बैंक की मैंने बुक नहीं बनाई, रिक्वायरमेंट नहीं थी, प्रॉब्लम है, लेकिन हम बना लेते हैं, ठीक है। इसकी ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ बैंक की बुक में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, ये होगी बैंक की बुक में। अब ये वाला बिल जो है डिसऑनर हुआ 15000, ठीक है, बैंक ने क्या किया है, नोटिंग चार्जेस पे किए हैं 60, ठीक है, तो बिल को डिसऑनर करते हैं। बैंक के पास बिल पड़ा, इसकी ड्यू डेट कब बनती है, 2 महीने का बिल है, जनवरी फरवरी मार्च, 4 मार्च 2017, बिल डिसऑनर होगा तो बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा एक्स को कितनी अमाउंट से, नोटिंग चार्जेस प्लस बिल की अमाउंट, दोनों को ऐड कर 15000 प्लस 60 जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, ठीक है, 60, तो 15000 60 से 15060 से एक्स को डेबिट करेगा, ठीक है, और बिल रिसीवर को क्रेडिट करेगा कितनी अमाउंट से, 15000 से, और कैश नोटिंग चार्जेस पे किए कितनी अमाउंट से, 60 से, ठीक हो गया। बिल रिसीवर कितने का था, 15000 का, नोटिंग चार्जेस कितने पे किए, 60, तो उन दोनों को ऐड करें, एक्स से उतने रिसीव कर दें बैंक ने, उतने में उतने से चार्ज किया एक्स को, डेबिट किए कितने से, दोनों अमाउंट को प्लस करें, नोटिंग प्लस बिल के चार्जेस, ठीक हो गया। अब एक्स क्या करेगा, अपनी बुक में वाई को डेबिट करेगा दोबारा से 4 मार्च 2017 को वाई को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया, ठीक है, कितने अमाउंट से, 15060 से नोटिंग चार्जेस और प्लस बिल की अमाउंट, वाई को रिसीवर पर बना लिया नोटिंग चार्जेस प्लस बिल की अमाउंट से और बैंक को क्रेडिट कर दिया नोटिंग चार्जेस प्लस बिल की अमाउंट से, ठीक है। अब वाई अपनी बुक में क्या करेगा, एंट्री को रिवर्स करेगा, बिल पेबल को खत्म करने के लिए डेबिट करेगा, एक्स को दोबारा अकाउंट पेबल बना, 4 मार्च 2017 को बिल पेबल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से बिल पेबल, 15000 से, और नोटिंग चार्जेस ड्राइंग का एक्सपेंस है, नोटिंग चार्जेस डेबिट 60 से, और वाई को एक्स को क्या बना लिया, अकाउंट पेबल, कितनी अमाउंट से, 15060। ये हो गया जी सेकंड बिल डिसऑनर। उसके बाद जी ऑन वाई रिक्वेस्ट एक्स ड्रॉस फोर्थ बिल ऑन वाई फॉर पीस 15150 इंक्लूडिंग 90 एज इंटरेस्ट। अब अभी तीसरे बिल की ड्यू डेट नहीं है, लेकिन हमें पहले इंफॉर्मेशन दी गई जो दूसरा बिल डिसऑनर हुआ है, ठीक है, इसकी बजाय जो है ना एक और बिल ड्रॉ कर दिया और उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया, ये जो सेकंड बिल है, ठीक है, ये दोबारा ड्रॉ होगा और इसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी हम एंट्री करते हैं, बिल जो है दोबारा ड्रॉ कर दी, ये वाला बिल, लेकिन इससे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री चार्ज करें, इंटरेस्ट कितना है जी 90, ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्स ने किससे रिसीव करना, वाई से, इसी डेट को वाई को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट क्या है इसके लिए, इनकम कितना 90, ड्रॉई के लिए, अब हम यहां पे मैं ड्रॉई की बुक बना रहा हूं रिमेनिंग एंट्रीज, ठीक है, वाई बुक, ठीक है,
ये वाई की बुक रिमेनिंग एंट्री ड्रॉ की बुक यहां पे कर लो, यहां पे ऊपर लाइन है ड्रॉ की करें, ठीक है। वाई ने क्या करना, वाई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है किस डेट पे है जी, 4 मार्च 2017 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पे करना है किसको, एक्स को, कितने से 90 से इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब हम बिल ड्रॉ करेंगे अगेन, बिल की अमाउंट भी हमें बताई हुई है 15,150, ये कैसे बनी, कितना रिसीव करना है वैसे 15,060 और कितना रिसीव करना है इंटरेस्ट का 90, ये बिल में ऐड करना तो ये बन जाएगा 15,150, ठीक है। अब ये जो चौथा बिल ड्रॉ हुआ है उसकी अमाउंट क्या है, बाय 15,060 और बाय 90, तो ये बिल ड्रॉ होगा 15,150 से। तो बिल ड्रॉ करें जी किस डेट पे, 4 मार्च 2017 को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसको करना है, इसमें वाई को, कितने से 15,150, ठीक है। अमाउंट दी हुई है हमें, लेकिन हमने कैसे कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट की अमाउंट इसमें इंक्लूड है, ठीक है। बिल ड्रॉ हो गया जी, चौथा बिल ड्रॉ हुआ, ये जो डिसोनर हुआ था दूसरा, ठीक है, इसको हमने दोबारा ड्रॉ कर दिया। और ड्राई की बुक में क्या एंट्री होगी, ड्राई करेगा एक्स अकाउंट को डेबिट और बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट, कितने से 15,150, ठीक है, 4 मार्च। उसके बाद और मैच्योरिटी, द थर्ड एंड द फोर्थ बिल आर ऑनर्ड, शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तीसरा और चौथा बिल ड्यू डेट पे पे हो गया, ठीक है, आपने एक्स वाई जेड बुक में एंट्रीज कर ली। तीसरा बिल कौन सा है, ये 6,000 वाला जो ड्रॉअर के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और चौथा बिल कौन सा, जो हमने नया ड्रॉ किया है, जो दूसरा डिसोनर हुआ था 15,000 वाला, अब ये तीसरा चौथा बिल पे हो गया, ठीक है। अब तीसरे बिल की ड्यू डेट पहले आएगी, चौथा बिल जो हमने ड्रॉ किया इसकी ड्यू डेट बाद में आएगी, ठीक है, ये अब अपडेट से पता चलेगा आपको। अब तीसरा बिल ड्रॉ के पास है, इसकी ड्यू डेट पे बिल पे हो गया, इसकी ड्यू डेट क्या बनती है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को 2017 को कैश रिसीव किया एक्स ने और बिल रिसीवर को क्रेडिट कर दिया, कितनी अमाउंट से, 6,000 से, क्योंकि ये बिल ड्रॉ के पास ही पड़ा हुआ था, ये वाला 6,000। अब ये जो हमने लास्ट बिल ड्रॉ किया ये वाला, ठीक है, पहले हम इसकी एंट्री करते हैं ड्राई की बुक में, वाई ने क्या एंट्री करनी है, 4 अप्रैल 2017 को बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से है, 6,000, ठीक है। अगेन ये जो लास्ट में हमने ड्रॉ किया इसकी ड्यू डेट बन दी है 2 महीने बाद, ये 2 महीने का नया बिल है, आखिरी बिल चौथा, इसकी ड्यू डेट बन रही है मार्च अप्रैल और मई, 7 मई बन रही है, 4 मार्च को ड्रॉ हुआ है, 7 मई 2017 को कैश, अब ये चौथा बिल ड्रॉ के पास ही है जो दोबारा ड्रॉ हुआ, ये वाला कैश रिसीव कर लिया, कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 15,150। और ड्राई अपनी बुक में यही एंट्री करेगा, कौन सी बनेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने से 15,150, ठीक है। ट्रांजेक्शन को आप नोट करें, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपने एक्स की बुक बनानी है, वाई की बुक बनानी है और जेड की बुक बनानी है, बैंक की भी बनाई है, ये भी आप नोट कर लें, ये एक्स की रिमेनिंग बुक है और ये वाई की रिमेनिंग एंट्री, ठीक है, ये आप नोट करें।